हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। भाई मुझे ना एक डाउट है, तो वो मेरा डाउट आप क्लियर करो। डाउट ये है कि आप मुझे बताओ कि आप बताओ कि सोचो भी इस बात को कि ये जो हमारे चार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये क्या सच में भाई जो इसके सपोर्ट होता है, रेसिस्टेंस होता है, जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारा जो पीवोट्स पॉइंट्स के सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं, क्या इनको सच में रेस्पेक्ट करता है, मतलब हमारा चार्ट, अगर मतलब मार्केट कंडीशन नॉर्मल है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, तो क्या सच में ये इन चीज़ों को रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता, या वही मतलब कहने वाली बात है कि भाई सपोर्ट है, इतने पर सपोर्ट है, इतने पर रेसिस्टेंस है। तो चलो हम चार्ट के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये सच में इसको रेस्पेक्ट देता है नहीं देता। तो अभी हम क्या करेंगे, चलो हम चार्ट पे चलते सीधा, और आप बस हम केवल 8 तारीख का चार्ट लेंगे, एक दिन का टाइम फ्रेम है हमारा, 5 मिनट का कैंडल, ठीक है ना। तो चलो चार्ट पे हम चलते हैं। तो आप जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं ले लेता हूँ, तो 7 तारीख आ गया, 8 तारीख का बिल्कुल जो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है ना। देखो ये हो गया, यहाँ से हमारा आप जो थोड़ा यार जो हमारा माउस है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना प्लीज। हाँ देखो ये रहा 8:15, ये हमारा केवल इसी के हिसाब से हम देखेंगे, केवल 8 तारीख के ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 8 तारीख का जो हमारा पूरा दिन का जो मूवमेंट था वो चार्ट पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सच में इनको रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता। तो जैसा कि आप देखो माउस, थोड़ा जो माउस है ना उस पर थोड़ा ध्यान देना यार। तो हमारा मार्केट देखो यहाँ से खुला, ठीक है ना, ये हमारा 11,987, और खुलते ही गिरा, ये इसने बनाया लो हमारा, कितना इसने बनाया था लो भाई हमारा 11,966 का, ठीक है ना, पहली कैंडल गिरी। तो देखो आपको दिख रहा होगा मैंने क्या किया, एक लाइन आपको व्हाइट लाइन की देखो, ये वाली लाइन है ऊपर दिख रही होगी, ये था इसके दिन का हाई का, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ठीक है, सिंपल। अब आप दिख रहा होगा यहाँ पे लिख रहा होगा S1, देखो ये रहा S1 दिख रहा, मतलब ये पीवट पॉइंट का मैंने सपोर्ट है फर्स्ट, ठीक है ना, तो ये तो ऑटो में जनरेट हो जाता है। तो एक यहाँ से जस्ट इसने मतलब मार्केट खुला यहाँ तक गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एक आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, ठीक है ना, तो मैंने इस वाली मतलब कुछ थोड़ा सा ये वाला सोच के मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है, कहानी ये है देखो, यहाँ से मार्केट खुला यहाँ पे गया सपोर्ट तक, बिल्कुल देखो सपोर्ट पे बिल्कुल जस्ट सपोर्ट को टच किया इसने, यहाँ पे बैठे होंगे बायर, और फिर मार्केट वहाँ से रिट्रेस कर गया देखो बिल्कुल ऊपर तक। अगर आप देख रहे होगे तो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की थी, फिर दोबारा से वहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आया, फिर ऊपर गया, और देखो जो P1 पॉइंट का जो मतलब जो हमारे P1 पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट होता P, फिर उसने वहाँ से क्या लिया, थोड़ा रेसिस्टेंस लिया, और फिर मार्केट गिरा, और इस बार इसने क्या किया, हमारा जो सपोर्ट है इसको भी तोड़ दिया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको मतलब सपोर्ट पर रेसिस्टेंस के तौर पर मारा, और फिर देखो फिर वहीं से बाइंग आ गई, जहाँ से मैंने लाइन खींची थी ये वाली, वहाँ से इतनी भयंकर बाइंग आई, देखो मार्केट अब बिल्कुल ऊपर तक गया, और जो इसका देखो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रहा जो इसका R1 है, पीवट पॉइंट का R1 है, जस्ट वहाँ से दोबारा से मार्केट वहीं से गिरा, और केवल 1, 2, 3 कैंडल में फिर से वहीं पे आ गया जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वहीं पे आ गया। उसके बाद फिर वहाँ से बाइंग आती है, देखो ये वाली फिर वहाँ से बाइंग आई, और फिर जहाँ पे हमने अपनी वाइट लाइन खींची हुई है ये वाली, वहीं से उसने फिर से रेसिस्टेंस दिया, फिर मार्केट गिरा, और फिर देखो वाइट लाइन पे आ गया, फिर वहीं से मार्केट दोबारा से उठा, फिर दोबारा से इसने क्या किया, यहाँ पे वाइट लाइन से दोबारा रेसिस्टेंस दिया, फिर गिरा, और फिर मार्केट ने फिर भयंकर वाला, फिर तो जो हमारा ये वाला लो था इसको भी तोड़ दिया, और फिर देखो आप दिख रहा होगा ये रहा लास्ट लो ये था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चार्ट के हिसाब से काम करोगे, देखो जितना मेरे को आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो अभी तक तो भाई इसको पूरा मतलब सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा है जो मार्केट। अब मैं दिखाता हूँ कि फेक जो ब्रेकआउट होते ब्रेकडाउन होते उनका क्या है। तो देखो मान लो जैसे अगर मैंने ये उस दिन के हिसाब से मैंने ये दो लाइन खींच ली थी अपनी, ठीक है ना, पी वोट सपोर्ट ये तो है ही, तो मैं अगर मैं चार्ट के हिसाब से इसको मतलब ट्रेड करता तो मैं कहाँ कहाँ फंस सकता था, ठीक है ना। तो पहला तो जैसे कि देखो ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है ना, नीचे वाला देखो माउस को, इसको देखो, ठीक है ना, अगर मैं इसको लेके मतलब बैठा रहता, मतलब इस लाइन को मैं सोचता कि इस लाइन के नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता किसी भी चीज़ को, अपनी निफ्टी फ्यूचर को मान लो मैं शॉर्ट कर देता, या ऑप्शन की कॉल को शॉर्ट कर देता, तो क्या होता, मैं वहाँ पे आराम से ट्रैप हो जाता, क्योंकि मार्केट वहाँ से वापसी आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर वहाँ पे हुआ, और फिर तीसरी बार में इसने बिल्कुल अपना ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो जाता, ठीक है ना।
अब मैं आपको ये दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ ट्रैप नहीं होता और कहाँ कहाँ मैं राइट होता। मान लो अगर मैं देखो यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे इसने सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस को मतलब दे रहा है। अब देखो इस वाले एरिए को देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, जैसे रेसिस्टेंस को देखो इसने बिल्कुल रेस्पेक्ट किया तो मार्केट गिरा, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब मैं ठीक रहा था, मतलब चार्ट के साथ अगर मैं ट्रेड करता तो मैं यहाँ पे सही होता, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, एक बार हो गया, फिर आप यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से बिल्कुल अच्छी बाइंग आई, तो मान लो मैं यहाँ भी ना, अगर मैं एक बार को मान लो मैं यहाँ पे भी बाइंग नहीं करता कि भाई यहाँ पे इसका अच्छा रेजिस्टेंस होगा, तो मान लो इसको मतलब यहाँ अगर ये इसको ब्रेकआउट करता, अगर मैं यहाँ भी बाइंग करता तब भी मैं यहाँ पे सही होता, दो बार हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो दो बार हो गया, अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरा रेजिस्टेंस को लिया, बिल्कुल अच्छा रेस्पेक्ट दिया इसको, तो यहाँ से मार्केट गिरने लग गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता तो मैं यहाँ भी सही होता तीसरी बार। फिर मैं कहता कि भाई यहाँ पे तो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी, यहाँ पे बाइंग आती है हर बार, दो बार से पिछली बार बाइंग आ रही है, अगर मैं यहाँ पे भी फिर बाइंग करता तो फिर मैं सही होता, कितना हो गया चार बार, सॉरी एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ तीन, एक बार यहाँ चार, और एक बार यहाँ पाँच, यहाँ पाँच बार मैं सही होता। फिर मुझे पता है कि यहाँ तक मार्केट गिरता है तो भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाइंग आती है, तो फिर अगर मैं यहाँ से बाइंग करता तो फिर यहाँ पे मार्केट टूटा, तो कितना हुआ छः बार। और फिर मुझे पता है कि भाई या तो इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगी, और यहाँ से नीचे गिरा तो फिर सेलिंग आएगी, तो ये फिर से गिरा, देखो आप यहाँ से बिल्कुल उसको सपोर्ट करके फिर क्या छः बार, फिर यहाँ से बाइंग आती है, देखो आप फिर देखो इस, अब मैं मेरे को पता है कि भाई मार्केट ने ये वाला लो बना रखा, अगर इसको तोड़ेगा तो इसमें ब्रेकडाउन आ सकता है, तो ये देखो एग्जैक्टली ब्रेकडाउन आया। तो अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये देखो कि अगर हम चार्ट को फॉलो कर रहे हैं ठीक से, तो हम आप ये देखने की कोशिश करो इस वीडियो में कि मैं कितनी बार गलत हूँ कितनी बार सही हूँ। अगर मैं चार्ट के हिसाब से ट्रेड भी कर रहा हूँ तो आप कम से कम मैं 6 या 7 बार सही हूँ चार्ट के हिसाब से, और एक बार मैं गलत आ रहा हूँ जो फेक ब्रेकडाउन पे अगर मैं ट्रेड लेता। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कैसा भी है चार्ट, कुछ भी ना है, कुछ भी ना, 50-60% तो हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट इनको पक्का सपोर्ट करेगा ही करेगा। हाँ एक दो बार ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो फेक होते हैं उसमें आप ट्रैप हो जाओ, पर आपका जो जो इसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, वो आप हमेशा जीतोगे ही जीतोगे, तो ये फैक्ट है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के हिसाब से कि आप देखो इस चीज़ को कि कितनी बार सपोर्ट करता है कितना नहीं। तो मेरा यही मोटो था, यही मोटो मेरा पूरा हो गया, यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चलो बाय।